आइए दोस्तों, अब हम सबसे आसान सवाल लेते हैं और काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर चार को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, यहाँ पे जरा गौर से देखिए। कहता है कि आकृति 6.19, ये हमारे पास आकृति 6.19 है, ठीक है। तो आकृति 6.19 में DE समांतर AC है और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF बट्टे में FE अब बराबर BE बट्टे में EC सिद्ध करना है। बड़ा ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हल, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा हल और यहाँ पे देखिए जो दिया है वो पहले लिख लो। दिया है हमें क्या, दिया है, तो जो दिया है वो लिख लो। तो दिया हमें है क्या, DE पैरेलल AC एवं DF पैरेलल AE, ये हमको दे रखा है ना। तो ये सारा का सारा जो हमें दे रखा है, ओके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिद्ध क्या करना है। अब लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, वो ध्यान में देने वाली बात यह है, ये BF और बटे में FE बराबर BE और बटे में EC, ये आपको सिद्ध करना है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। और ये लिखने का तरीका, मतलब लिख दोगे तो बेटर रहेगा, एग्जाम विनर जो होगा चेक करेगा तो कहेगा कि हाँ लड़का बहुत अच्छा है ना, अच्छे से लिख दिया, ढंग से खुश हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसका प्रमाण करते हैं, सिद्ध करते हैं प्रमाण, ओके। चलते हैं किस त्रिभुज में। अच्छा, कहता है DE समांतर AC। अब देखो DE समांतर AC किस में है, तो यहाँ पे DE समांतर AC मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर, में टिक लगा रहा हूँ, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ठीक है। कहने का मतलब कि त्रिभुज BAC में समांतर है AE के, AC के समांतर DE, यही है ना। तो जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरा भुजा खींचा जाता है, यानी रेखा खींचा जाता है, तो उसके भुजाओं का जो अनुपात होता है एक दूसरे के बराबर होता है। इसका मतलब कि BD बट्टे में DA और बराबर में BE बट्टे में EC, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये दो रेखा है, इसे ये वाले रेखा को भूल जाओ, रेड वाले को, सिर्फ ये देखो ये और ये, क्योंकि इसमें हम चल रहे हैं। तो हम चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज किस में भाई, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में, ओके। अब BAC में देख लीजिए क्या होगा, जब कहता है कि DE समांतर क्या है AC, या AC समांतर DE कह सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया है DE समांतर AC। तो आइए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि BD, क्या लिखेंगे BD, है ना, ये यही ना लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि देख लो इसको, ये और ये देखो, इसको दोनों घुमाओगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये और ये देख लो समांतर से, ओके। तो BD बटे में DA, ओके, BD और बटे में क्या लिख सकते हैं DA, ओके। तो हम लिख देते हैं DA, ओके, और बराबर में ये हो गया। अब ये भुजा बचा, क्या हमारे पास बचा कि BE और बट्टे में EC, यही ना, EC देख लिया, ये और ये देख लेना, यहाँ पे टिक, यहाँ पे टिक, ये वाला लेना है, ये सब नहीं, ये रेड वाला है, ये अलग त्रिभुज में है, ठीक है। अब इसको मान लेंगे समीकरण एक। चलिए पुनः चलते हैं, पुनः यानी दोबारा, पुनः त्रिभुज, आगे देखिए, आगे फिर कहता है कि DF समांतर AE। अब DF समांतर AE कहने का मतलब, अब रेड वाला देख लीजिए, DF समांतर क्या है AE, यानी रेड वाला, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दूसरे के, एक दूसरे के समांतर है, यानी AE समांतर DF कह लो, या फिर DF समांतर AE। तो इसका मतलब ये कौन सी त्रिभुज में हुआ, तो ये त्रिभुज हुआ क्या B, देखिए B और A और E में हुआ। किस त्रिभुज में हुआ, BAE में हुआ, क्योंकि ये समांतर रेड वाला, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो देख लो किस त्रिभुज में चलेंगे, BAE में चलेंगे, ये तो इसका कहानी खत्म, ठीक है। तो चलते त्रिभुज BAE में, राइट। तो BAE में
अब समांतर ये भुजा इस भुजा के समांतर मतलब इस सब का कोई काम नहीं है, इस साइड वाला का ई जो है इस सब का कोई काम नहीं है, इस सब का कोई काम नहीं, उसका तो काम हो गया, इसका भी बीच वाले का कोई काम नहीं है, अब ये वाला सिर्फ इसका काम है, तो ये मेन हुआ बी, क्योंकि ये वाला है त्रिभुज, अगर इसको ऐसे घुमा दोगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस भुजा के समांतर है, जब समांतर होता है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर, यानी बी डी क्या लिखेंगे कि बी डी और बट्टे में डी ए, क्या लिखेंगे डी ए, ओके डी ए मैंने लिख दिया, अब बराबर फिर लिखेंगे क्या बी एफ बट्टे में एफ ई, है ना, ये भुजा इसका, ये भुजा ये, तो बी एफ बट्टे में एफ ई, राइट मैंने लिख दिया। अब इसको लिखेंगे समीकरण दो से, ये दो हुआ। अब जरा गौर से देखो कि बी डी बटे में डी ए, बी डी बटे में डी ए की जो वैल्यू आई बी एफ बटे में एफ ई आई, देख लीजिए बी डी बटे में डी ए का मान क्या है, बी एफ बटे में एफ ई, मान लो ये पूरा एक्स रहता तो इसका मतलब एक्स का मान ये पूरा रहता, अब यहाँ पे क्या है कि बी डी बटे में डी ए का मान ये है, अगर बी डी बटे डी ए का मान समीकरण एक में रख देंगे तो यहाँ पर जो बी डी बटे में डी ए पूरे के जगह पर ये पूरा आ जाएगा, है ना, यानी मान रख रहे हैं उसमें पुट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्या समीकरण एक तथा समीकरण दो से, तो हम इधर ही लिख देते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो से। अब समीकरण एक का मान, दो का मान रख रहे हैं इसमें, तो बी डी बटे डी ए का मान हम रख रहे हैं इसमें, तो पहले देख लीजिए बी डी बटे में डी ए है, तो बी डी बटे डी ए का मान क्या हमें ये दिया बी एफ बटे में एफ ई, तो हम रखेंगे क्या बी एफ बटे में एफ ई, ओके बराबर ये ज्यों का त्यों रख दो, यानी बी ई बटे में ई सी, यही ना सिद्ध करना था, देख लो बी एफ बटे में एफ ई अब बराबर बी बटे में ई सी, तो ये प्रूव हो गया, तो हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे सिद्ध हुआ, ओके आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।